डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर हुसैन फरीदी। आज हम सेकेंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसकी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के मेथड के जरिए आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट पड़े हैं उसको सॉल्व करना है। तो देखें जी, सब्सटीट्यूशन या पैरामेट्रिक इक्वेशन जब आपके पास आते हैं तो दोनों मेथड के अंदर आपने बाय चेन रूल को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने बाय चेन रूल का ही इस्तेमाल करना है। और कैसे पता चलेगा कि बाय चेन रूल ही इस्तेमाल करना है, वो पता चलेगा जब बाय सब्सटीट्यूशन के जरिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाए, या फिर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलेगी आपने उनके ऊपर भी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, बाय चेन रूल ही लगाना होता है। अब बाय चेन रूल क्या होता है, बाय चेन रूल ये होता है कि उसको लगाया कैसे जाता है। बाय चेन रूल तब लगाया जाता है जब आपके पास दो वेरिएबल और उनका डेरिवेटिव फाइंड करने को मिल जाए। तो अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन आपका 2.3 एक्सरसाइज के अंदर भी बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन था। हमने वहां पे क्वेश्चन रूल पावर रूल लगा के इनको सॉल्व किया, लेकिन अब जो हम सॉल्व करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उस वक्त जब बाय सब्सटीट्यूशन सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात का ख्याल रहना चाहिए कि होल की पावर के अंदर जो चीज होगी उसको लेट करके पुट करेंगे किसी अदर वेरिएबल के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, यहां पे करते हैं पुट, हमने किया पुट u इज इक्वल टू 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। मैंने कहा जब बाय सब्सटीट्यूशन हो तो होल की पावर के अंदर जो चीज पड़ी होगी, और ये तकरीबन याद रखें, मैं यहाँ पे एक ही थीम बनाने की कोशिश करूंगा, वो क्या है कि सभी क्वेश्चन में जो है होल की पावर बनाएं आप क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपका पैटर्न एक ही रहे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर जो होल की पावर पड़ी थी मीन्स 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो पावर के अंदर जो चीज पड़ी उसको पुट किया मैंने यू के ऊपर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 चेक करें कि जहां पे 1 माइनस एक्स प्लस ओवर 1 प्लस एक्स है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यू। तो आइए यहां पे मैं इस पर पुट करता हूं। तो ये लिखा हमने यू वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट यू, ये आपके पास, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सभी क्वेश्चन में आपने काम सेम ही करना है। अब होगा क्या कि अब हम चेक करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का लेंगे डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहां पे देखें, मैं डेरिवेटिव लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, अब यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन टेकिंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेक करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इक्वेशन नंबर 1 का, x है। तो हमने लिखा टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमने लिखा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इज सॉरी साथ में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव। अब यहाँ पे चेक करें राइट साइड लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड को अगर सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, और डेरिवेटिव किसका लेंगे डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का 1 माइनस एक्स, और आगे हमने लगाना है माइनस, और यही फंक्शन एज इट लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और डेरिवेटिव आप किसका लेना है 1 प्लस एक्स का। लॉल, अब ये था क्वेश्चन रूल। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो नीचे वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अब ये 1 प्लस एक्स भी एज इट, और इसका डेरिवेटिव चेक करें 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। आगे ये माइनस लिखा, फिर से लिखा हमने 1 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस लगाकर 1। कैसे, कॉन्स्टेंट 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस के बाद डिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल है उसके लिहाज से क्या होगा डेरिवेटिव 1। अब ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट
होल स्क्वायर एज इट, और ऊपर चेक करें ये जीरो इसमें ऐड करें या माइनस वन जीरो से निकालें फर्क नहीं पड़ता, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर। तो हमने लिखा माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स और माइनस एज इट, और यहाँ पे चेक करें जीरो वन में ऐड करें या वन जीरो में ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा, और वन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो यही लिखा गया वन माइनस एक्स। अब इसको मजीद आगे राइट करते हैं, देखिए जी लिखा हमने डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस वन माइनस का एक्स, और इसके बाद ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस का वन प्लस का एक्स। चेक करें दोनों प्लस के थे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस ये वन प्लस का पड़ा है, एक्स माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वन प्लस का एक्स, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या लिखा जाता है प्लस। ओके अब ये चेक करें माइनस का एक्स प्लस एक्स से क्या होगा कैंसिल, पीछे आ गया डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर टू, तो ये आपके पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। अब हमने इस क्वेश्चन नंबर वन का डेरिवेटिव ले लिया, अब मैं डेरिवेटिव लेता हूं इक्वेशन नंबर टू का, तो यहां पे लिखें टेकिंग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन टू, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन टू विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u, तो आप यहां पे हम लिखेंगे u। ओके अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते, चेक करें जी डी बाय ओवर डी यू, इधर भी डी ओवर डी यू और साथ में क्या है u की पावर वन बाई टू, क्योंकि स्क्वायर रूट आप जानते हैं किसके इक्वल होता है वन बाई टू के। अब चेक करें यहां पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, हमने लिखा पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया, जब एक कम करेंगे प्लस की पावर क्या हो जाएगी माइनस की, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी यू ओवर डी यू, क्योंकि यू की पावर थी तो आपने लिखा वन ओवर टू और ये यू की पावर माइनस वन ओवर टू, और यहां पे चेक करिए कैंसिल होकर आंसर वन दिया, वन मल्टीप्लाई बाई यू की पावर माइनस वन बाई टू, तो आंसर यही रहा। अब यहां पे देखें यू की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आपके पास क्या लिखा जाएगा वन ओवर टू, यू की वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है चेक करें जो कि हमने पुट की हुई, ये है हमारे पास वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल की पावर क्या है माइनस वन बाई टू। ओके अब ये किसका आंसर आपके पास डी वाई बाय डी यू। अब आइए जो हमने बात शुरू में मैंने आपको बताई बाई चेन रूल, चेन रूल कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, चेन रूल हमने लगाना है जब आपके पास दो वेरिएबल का आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये देखिए एक u है दूसरा क्या है y है, तो हमने फाइंड क्या करना है dy वाई ओवर डी एक्स, तो हमने बाई चेन रूल लगा के ये फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आइए बाई चेन रूल कैसे लगाएंगे, बाई चेन रूल यहां पे लिखता हूं बाई यूजिंग चेन रूल, चेन रूल कैसे यूज होगा, देखें जी चेन रूल जो चीज आपने फाइंड करनी वो क्या है आपके पास डी बाय, लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं डी बाय ओवर डी एक्स, लिखने का तरीका क्या होगा जो आपने फाइंड करना उसको लिखा आगे एक लाइन डॉट लगाकर दूसरी लाइन ये लगाएं, अब पहले वाला पहली लाइन के ऊपर डी बाय और दूसरे वाला दूसरी लाइन के नीचे, ये लिखने का तरीका है जो चीज फाइंड करनी है। अब यहां पर डी बाय ओवर डी एक्स है, फर्ज कर ले कोई और चीज आगे फाइंड करने को यहाँ पे, तो आपने क्या करना है तरीका चेन रूल का क्या होता है दो लाइनें लगाएं दरमियान में डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, पहली लाइन के ऊपर पहले वाला फैक्टर दूसरी लाइन के नीचे दूसरे वाला फैक्टर नीचे, अब जो आपने लेट किया होता है यहाँ पे होल की पावर के अंदर वैल्यू जो आपने जिस वेरिएबल के इक्वल लेट किया होता है अब उसको डी के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर भी लिखना है और नीचे भी, तो यहाँ पे देखिए यू से लेट किया हुआ है आपने लिखा डी यू और इधर भी डी यू। अच्छा ये आपके पास क्या होता है चेन रूल जिसको आपने फाइंड करना। ओके अब चेन रूल के अंदर चेक करें कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ये लिखा गया डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल में डी वाई हमारे पास डी वाई ओवर डी यू, ये चेक करें डी वाई ओवर डी यू इसके इक्वल है वो हमारे पास है वन ओवर टू इन टू वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल की पावर माइनस वन बाई टू, आगे हमने ये डॉट लगाया इसके बाद डी यू ओवर डी एक्स, तो हमने चेक करें यहां पे निकाला है डी यू ओवर डी एक्स वो क्या हमारे पास माइनस टू डिवाइडिंग बाई वन प्लस एक्स की पावर टू, लॉजिक ये था।
अब इसको हमने क्या करना, चेक करें कि इसकी पावर माइनस वन बाई टू ऊपर वाले की भी पावर है, नीचे वाले की भी पावर है। आइए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सेपरेट सेपरेट करते हैं पावर। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करें पावर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और वो वन से मल्टीप्लाई भी होगा, तो हमने लिखा वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। चेक करें मैंने पावर को सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा, इसके बाद हम लिखेंगे डॉट, डॉट के बाद माइनस टू एज इट और डिवाइडिंग बाई वन प्लस एक्स की पावर टू। मजीद इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब चेक करें ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, तो हमने क्या लिखा। और दूसरी बात क्यों कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो चेक करें दोनों वेरिएबल और उनकी पावर, वेरिएबल ऐसे समझे 1 प्लस एक्स एक वेरिएबल, 1 प्लस एक्स दूसरा वेरिएबल, तो वेरिएबल तो सेम हुए। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात बताई कि जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तो उनमें से वेरिएबल एक लिखा जाता है और पावर को ऐड किया जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे वेरिएबल एक लिखा, वो क्या है 1 प्लस एक्स की पावर, वेरिएबल एक लिखा और माइनस वन बाई टू और प्लस लगाकर टू को ऐड कर दिया और ऊपर क्या रह गया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू और साथ में मल्टीप्लीकेशन माइनस का टू, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे। अब यहाँ पे ऊपर वाला ये जो है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो ये भी क्यों हो जाएगा पॉजिटिव। हमने लिखा ऊपर माइनस टू, ऊपर हमने क्या लिखा माइनस टू, सॉरी ये नीचे आपका ये टू भी आ रहा है, यहाँ पे ये टू भी राइट करें, यहाँ पे ये टू। तो आप देखें माइनस टू हमने यहाँ पे लिखा और इसके बाद ऊपर वाले को नीचे लेकर आऊं तो 1 माइनस एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्केल, और साथ में हमारे पास पहले से ये टू पड़ा था और 1 प्लस एक्स की पावर, जब इस पावर को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 बाई टू। ओके अब चेक करें कि ये 2 2 से हुआ कैंसिल, तो पीछे आपके पास रह गया माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स और इन टू 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई टू। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर डी बाई बाई डी एक्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब इसी से हम पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनल पेपर के लिहाज से सेकंड क्वेश्चन इसका जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 इसका, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि x प्लस अंडर रूट x, x प्लस अंडर रूट x होल की पावर 1 बाई टू या अंडर रूट x, और ये किसके इक्वल दे रहा है y। ये आपके पास पार्ट नंबर क्या है 2। तो अब आइए इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे देखें जी, उसी तरह से चेक करें कि होल की पावर क्या ऊपर स्क्वायर रूट है और जो अंदर वैल्यू पड़ी इसको मैं लेट करके पुट करता हूं किसके इक्वल है y के, या u, तो कोई भी आप जो है वेरिएबल रख सकते हैं लेकिन u रखें, आपके बुक के ऊपर भी अक्सर एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है। तो आपने लिखा पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके ये आपने लेट किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसके बाद आप ये u की जहां पे x प्लस अंडर रूट x था वहां पे आप u पुट कर सकते हैं, तो आइए उस पे पुट करें। आपने लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट u, जहां पे ये चीज थी ऊपर वाला अंडर रूट एज इट और जहां पे ये सारी चीज थी वो किसके इक्वल था u के, तो हमने u पुट किया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या होगा, उसी तरह से आपने क्या करना है फिर से डेरिवेटिव लेना। आइए डेरिवेटिव लिया by equation, taking derivative, differential equation 1 with respect to independent variable क्या है x, x के लिहाज से। तो आइए यहां पे लिखा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और साथ में क्या लिखा x प्लस x की पावर 1 बाई टू, क्योंकि अंडर रूट आप जानते हैं अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 बाई टू। तो चेक करें ये अंडर रूट की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। अब चेक करें डी वाई बाई डी एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस के बाद यही डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
सम आर डिफरेंस रूल, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 के अंदर मैंने ये रूल आपको बता रखे हैं। तो आइए, हमने लिखा डी एक्स ओवर डी एक्स, आगे ये प्लस, फिर से डी ओवर डी एक्स और साथ में लिखा एक्स की पावर 1/2। ओके, अब चेक करें कि ये सेम है, ऊपर नीचे सेम आया तो आंसर 1, आगे ये प्लस, और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा, तो पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। अब चेक करें 1 + 1/2 एक्स की पावर -1/2 और ये डॉट लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही रहेगा। ओके, अब ये आपके पास क्या आ रहा था, डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 + 1/2 √x। ये कैसे लिखा मैंने, ये देखे नीचे वाली फिगर मैंने कैसे लिखी, ये देखे 1 ऊपर ही रहा, 2 नीचे एज इट था, और ये पावर नेगेटिव थी, जब ऊपर से नीचे x लेकर आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और 1/2 किसके इक्वल था, अंडर रूट, तो हमने ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट। ओके, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो ये आपके पास, अब ऐसे देखें कि 1 के नीचे 1 हम अपने पास से राइट कर सकते हैं, तो ये मैं जब नीचे 1 राइट करता हूँ तो आपको इस बात का पता है कि जब नीचे 1 राइट किया, दो रैशनल नंबर बने, दो रैशनल नंबर और दरमियान में प्लस, तो क्या लेते हैं, एलसीएम, आइए इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमने लिखा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम इसका क्या आ रहा है, 2 √x, पूरे एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करें तो आंसर यही आएगा, और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखा, 2 √x, आगे हमने लिखा ये वाला प्लस, और फिर से पूरे एलसीएम को इसी पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज। अब ये किसका आंसर है आपके पास, डी यू ओवर डी एक्स। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहां पे आपने लिखा टेकिंग डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से, अब चेक करें इक्वेशन नंबर 2 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या पड़ा है, यू, तो आपने यहां पे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से। अब डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए, हमने लिखा डी वाई ओवर डी यू, डी ओवर डी यू और साथ में क्या लिखा, यू कई अंडर रूट। ओके, अब यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव कैसे, अब यू के ऊपर मैं पावर लिख सकता हूँ कि डी ओवर डी यू और ये यू की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर है हमारे पास डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी यू और ये आपको पता है पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, तो डी यू ओवर डी यू आंसर क्या दे रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही, तो आपको पता चला 1/2 और यहाँ पे भी चेक करें उसी तरह से, ये 1 और नीचे ये 2 पहले से, और यू ऊपर पावर नेगेटिव लेकर बैठे हैं, नीचे लेकर आएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, 1/2 ले रहे हैं। तो अब आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमने लिखा 1/2 एज इट, और यहाँ पे यू किसके इक्वल है, बताए U आपके पास इक्वल है, ये देखिए 2 एज इट, और साथ में हमने लिखा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, और ऊपर पावर क्या पड़ी है, 1/2, तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, उनका स्क्वायर, क्योंकि होल की पावर थी ना U के ऊपर 1/2, और U वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट, हमने U की जगह पे लिखा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ऊपर पावर थी 1/2, तो हमने उस 1/2 को क्या बना दिया, दोबारा से स्क्वायर रूट ले रहे। अब ये आपके पास क्या आ रहा था, डी वाई ओवर डी यू, अब बाई चेन रूल यूज करेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाई चेन रूल, तो बाई चेन रूल क्या होता है, बाई यूजिंग चेन रूल, चेन रूल क्या कह रहा होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बता दिया, हमने फाइंड क्या करना है, डी बाय बाय डी एक्स, और ये दो लाइनें लगाएं, पहले लाइन के ऊपर डी बाय, दूसरा दूसरी लाइन के नीचे, अब जिसको लाइट किया हुआ है, यू को लाइट किया हुआ है, तो आपने यू के साथ डी मिलाकर यू को नीचे भी लिखना, डी यू को, और डी यू को आपने ऊपर भी लिखना, लो जी, ये होता है आपके पास चेन रूल। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू क्या है, ये देखिए डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 √x + √x, ये आपके पास, मैं दोबारा फिर से राइट करता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 एज इट, नीचे आपने लिखा 2 √x
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये आपके पास क्या थी डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू। आगे आपने क्या लगाना है डॉट, और फिर आपने लिखना डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो ये देखिए डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, टू अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू। अब चेक करें कि यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास आई है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे, तो हमने लिखा यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला नीचे, वन मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर, तो वही रहेगा। आपने लिखा डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आपका लिखा गया टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, और नीचे अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए टू जब टू से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा गया फोर, और साथ में हमने लिखा अंडर रूट एक्स, और फिर साथ में हमने क्या राइट कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर टू का। अब हम इसी का पार्ट नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। देखिए ये पार्ट नंबर थ्री क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि आप जो है हर लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और हर लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको कुछ इस हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में उसी एक्सरसाइज की कुछ मेन टॉपिक्स के मुतल्लिक आपको बातें बताई जाती हैं, वो गौर से सुने ताकि आपको हर बात का कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो देखें जी इसका पार्ट नंबर थ्री क्या है, पार्ट नंबर थ्री के अंदर लिखा हुआ है वाई, पार्ट नंबर थ्री लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x अंडर रूट a ओवर a माइनस a प्लस x और a माइनस x डॉट, ये आपके पास पार्ट नंबर थ्री। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अच्छा जी अब गौर से देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं एक थीम आपको बता रहा हूं कि आपका जो है स्क्वायर रूट वो होल की पावर बन जाए ताकि आपका थीम जो है वो एक ही रह सभी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है तो अब आपकी अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो एक्स को बाहर रख के सॉल्व करते जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसको आप यू के इक्वल रख सकते हैं। तो लेकिन वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, अगर मैं इसी एक्स को अंदर लेकर आ जाऊं मींस एक होल का स्क्वायर बना लूं तो आपका वही थीम बन जाएगा। तो आइए मैं आपको कोशिश कराता हूं कि उस तरह से करवा दूं जैसे आपके पहले क्वेश्चन आ रहे थे। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि एक्स है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा पीछे क्या रह जाएगा वही एक्स रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा पीछे क्या रह जाएगा एक्स। तो पता चला जहां पे एक्स है वहां पे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आइए मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर से साथ में पड़ा है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब चेक करें कि इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो क्यों ना हम स्क्वायर रूट एक लिखें और वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स के नीचे बाने ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे, हमने लिखा बाय स्क्वायर रूट हमने एक ही लिखा, तो अब आइए नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला ऊपर, तो हमने लिखा एक्स का स्क्वायर इन टू ए प्लस एक्स, और नीचे हमने लिखा वन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स, तो वही रहा। अब आइए इसको देखें, अब चेक करें कि वही एक आपके पास पावर बन गई होल, तो अब आप लेट करें या पुट करें, पुट करके आप अपनी जो वैल्यू है वो बनाए। तो हमने लिखा पुट यू इज इक्वल टू अब इसको मल्टीप्लाई भी कर ले और साथ में जो है यू के इक्वल भी कर ले, तो हमने लिखा ए एक्स का स्क्वायर प्लस लगाकर एक्स का यू डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ओके ऊपर वाला मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स वन टाइम जब वेरिएबल सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या कर दी यहाँ पे मैंने ऐड, और नीचे वाला ऐसे। अब ये आपका यू के इक्वल है, और इसको आपको पता है इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे, और इसी के साथ आपको पता है कि अगर मैं ये सारा जहां पे ये पड़ा है वहां पे क्या पुट कर सकता हूँ यू। तो आइए हमने लिखा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू। ओके और जिसको आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे रहे हैं जितने आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर टू। अब फिर से काम वही आ गया, आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर वन को सॉल्व करें, तो डेरिवेटिव लेंगे, यहां पे आपने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसका, इस इक्वेशन नंबर वन का, ये देखिए इक्वेशन नंबर वन क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी यू सॉरी डी एक्स और साथ में किसका डेरिवेटिव ले लें ए एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडिंग बाई ए माइनस एक्स। अब चेक करें इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं हम क्वेश्चन रूल, आइए क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन रूल क्या कह रहा है, क्वेश्चन रूल यहाँ पे मैं बताता हूँ जी। क्वेश्चन रूल आपको ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं डी यू ओवर डी एक्स। क्वेश्चन रूल आपको ये कह रहा है नीचे वाले फंक्शन का स्केल ए माइनस एक्स की पावर 2 और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट ए माइनस एक्स और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं ऊपर वाला फंक्शन वो क्या है ए एक्स का स्केयर प्लस एक्स की पावर 3 और इसके बाद माइनस राइट किया और यही फंक्शन एज इट क्या लिखा ए एक्स का स्केयर प्लस एक्स की पावर 3 और अब डेरिवेटिव किसका लेंगे नीचे वाले फंक्शन का वो क्या है a माइनस एक्स। तो ये होता है आपके पास क्वेश्चन रूल। आइए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो नीचे हमने लिखा a माइनस एक्स की पावर स्क्वेयर होल की और ये फंक्शन पहले वाला एज इट इसका डेरिवेटिव चेक करें a कांस्टेंट है वो साथ में रहेगा x के स्क्वेयर के ऊपर डेरिवेटिव ले तो ये लिखा गया 2ax पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव वो क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही चीज और x के क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x की पावर 2 पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में 3x का स्क्वायर तो आंसर यही रहेगा। आगे माइनस ये चीज ऐसे लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा गौर से देखिए a कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 माइनस लगाकर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो देखिए जी a माइनस एक्स की पावर 2 एज इट यहां पर ये a माइनस एक्स जो है वो इस पूरे वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आइए हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं तो आपने a से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 2a स्क्वायर x ये देखिए a से मल्टीप्लाई हुआ 2x एज इट और a से मल्टीप्लाई किया होगा स्क्वायर आगे a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो लिखा 3ax का स्क्वायर आगे माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ax का स्क्वायर माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस x इनटू 3x की पावर 3 1 टाइम x 2 टाइम में ऐड हुआ तो क्या हुआ 3 आगे ये माइनस अब ये चेक करें 0 इसमें ऐड करें या माइनस किया है वो 0 से सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा माइनस 1 ही आंसर आया ये माइनस इनटू माइनस क्या हुआ प्लस और हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा गया ए एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3। तो अब आपके पास होता ये है कि a माइनस एक्स की पावर 2 एज इट यहां पे आप ऊपर कुछ कैंसिलेशन हो रही है वैल्यू कट हो रही है तो उनको कट करें देखें कैसे ये प्लस का 2a स्क्वायर x इस जैसे कोई और वैल्यू नहीं पड़ी तो हम ये एज इट लिखेंगे 2a स्क्वायर x ओके सॉरी a स्क्वायर 2a स्क्वायर x यहां पे चेक करें कहीं और ये ऐसी वैल्यू नहीं पड़ी। इसके बाद 3ax का स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस का 2 टाइम ax का स्क्वायर तो माइनस का प्लस में से निकाल दे पीछे का रह जाएगा प्लस का 1 टाइम ax का स्क्वायर ये तीनों वैल्यू आपके पास होगी ताकि आप ये मैं ऊपर मार्क कर रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं कि ये वैल्यू कहां कहां से उठाई गई। पहली ऐसे 3 में से 2 को निकाल दिया पीछे 1 टाइम इसके बाद हमने क्या लिखना है कि ये आपके पास माइनस का 3 टाइम एक्स की पावर 3 पड़ा और ये प्लस का 1 टाइम प्लस वाला माइनस से निकाल दिया तो पीछे 2 टाइम एक्स की पावर 3 और साथ में प्लस लगाकर ये भी हो गया ये भी हो गया अब ये रह गया उसको साथ में हमने एज इट राइट किया ओके। अच्छा जी अब देखें ये प्लस का ए एक्स का स्क्वायर और ये भी प्लस का ए एक्स का स्क्वायर तो इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर x प्लस 2ax का स्क्वायर और माइनस का 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a माइनस x की पावर 2 ये कैसे किया ये चेक करें प्लस का ax का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर तो ये क्या किया मैंने प्लस का 2 टाइम x का स्क्वायर और ये माइनस का पहले से पड़ा था और ये भी पहले अब चेक करें इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें x 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो पता चला 2x इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूं 2x मैंने कॉमन निकाला पीछे रहेगा आपके पास a की पावर 2 प्लस लगाकर 2 भी बाय x 1 टाइम बाय तो पीछे आ गया ax आगे ये प्लस 2 बाहर आ गया पीछे x भी बाय है इसमें से
तो आपके पास रह गया x की पावर 2 डिवाइडिंग बाई a माइनस एक्स की पावर 2। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है किसका, ये आंसर आ गया आपके पास डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स। अब आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका डेरिवेटिव लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 का था, अब इक्वेशन नंबर 2 का लेते हैं। आइए यहां पे इक्वेशन नंबर, यहां पे आपने लिखा टेकिंग डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u। तो हमने यहां पे लिखा विद रिस्पेक्ट टू u। अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, चेक करें इस इक्वेशन 2 का। तो हमने लिखा d by ओवर डी यू इज इक्वल टू, क्या मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि u की पावर 1/2, और मैं यही पे आपको कन्वर्ट कर देता हूं, ये देखिए 1/2। तो आपने लिखा d ओवर डी एक्स और साथ में लिखा 1/ d u पे जाकर u आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना, यहां पे भी u, तो u की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में कम करें, तो ये लिखा d बाय ओवर डी यू इज इक्वल टू, यहां पे पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया, और इसकी पावर टू इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो आपका डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहां पे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय u की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, देखिए जी वैल्यू जब आपने पुट की तो हमारे पास ये लिखा गया 1/2 एज इज, u की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, चेक करें u की जगह पे हम पुट करेंगे a x का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 डिवाइडिंग बाय a माइनस x। ये चेक करें हमने u की वैल्यू पुट कर दी और होल के u के ऊपर क्या थी पावर माइनस 1/2, तो ये भी हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। ओके अब यहां पे इसके बाद आप जानते हैं कि आपने लगाना है चेन रूल, चेन रूल आप जानते हैं चेन रूल क्या है, d by over dx जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा उसी तरह से आपने आगे इसको सॉल्व करना है। यहां पे मैं जो है नोट कर देता हूं, डू योरसेल्फ, ये आप क्वेश्चन आगे खुद से करेंगे। ओके अब मैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलता हूं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 निहायत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए जी क्या करना है इसके अंदर। पार्ट नंबर 4 के अंदर बताया जा रहा है होल की पावर भी इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ दी जा रही है, और पावर होल के अंदर आपको क्वेश्चन राइट करके दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा जा रहा है y is equal to 3x का स्क्वायर, y is equal to 3x का स्क्वायर माइनस 2x, और इसके बाद लिखा प्लस का 7 होल की पावर 6। अब चेक करें पीछे आपके पास स्क्वायर रूट आ रहे थे, नो प्रॉब्लम, अब क्या आ गई पावर बिल्कुल आसान फॉर्म में मीन 6 आ गई। अब होल की पावर ये 6 है, अंदर वाले को लेट करके आपने क्या करना है y के इक्वल रखना है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बना के देता हूं, तो बाकी आपके क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। हमने किया पुट u इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो ये आपने u के इक्वल पुट कर लिया। अब ये u के इक्वल पुट कर लिया तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और पीछे आप u जहां पे ये सारा है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं u, तो आइए इसमें पुट करते हैं। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू u की पावर 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब फिर से आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, चेक करें 1 इक्वेशन के अंदर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो किसके लिहाज से x के लिहाज से, तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमने लिखा du over dx इज इक्वल टू d ओवर dx इसका 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7। अब इसका डेरिवेटिव लें, चेक करें सम और डिफरेंस रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे 3 कॉन्स्टेंट साथ में पावर हमने स्टार्ट में ली और पावर में एक कम कर दिया तो पीछे x रह गया, और x का डेरिवेटिव लेंगे वो आ गया 1। ओके इसके बाद माइनस, यही डेरिवेटिव जब यहां पे अप्लाई किया तो 2 कॉन्स्टेंट साथ में रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, और प्लस लगाकर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट अकेला पड़ा है। अब यहां पे भी तो कॉन्स्टेंट था लेकिन वो वेरिएबल के साथ था। ओके अच्छा जी, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 6x
और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही, माइनस लगाकर 1 मल्टीप्लाई में 2 आंसर 2 और प्लस 0 इसमें ऐड करें फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास क्या है du ओवर dx। ओके अच्छे जी, अब ये इक्वेशन नंबर 1 का था, अब मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें जी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u, तो हमने यहां पे लिखा u के लिहाज से। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमने लिखा y dy ओवर du और इधर भी लिखा d ओवर du और u की पावर 6। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखें जी कैसे dy ओवर du एज इट और यहां पे पावर स्टार्ट में और पावर में एक कम कर दिया 5 है और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव du ओवर du, तो ये कैंसिल होकर बन दिया तो लिखा गया 6u की पावर 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही लिखा गया। अब चेक करें u की जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूं 6 एज इट, u की जगह पे क्या पुट करेंगे ये चेक करें सारी u की वैल्यू, वो क्या है 3x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7। ओके अब यहां पे 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया 18x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस लगाकर 42। 6 से हमने सभी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 42। ओके अब ये आपके पास क्या है dy ओवर du, अब बाई चेन रूल लगाएंगे उसी तरह से। बाई चेन रूल क्या है ये कि आप इसके बाद जो है क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाई चेन रूल यहां पे आपको पता है कि आपने लिखना है dy ओवर dx इक्वल में फर्स्ट डॉट सेकंड, पहले के ऊपर dy दूसरे के नीचे dx, अब u आपने लेट किया हुआ है u के साथ d मिलाएं और u du ऊपर भी और du नीचे भी, क्योंकि दोनों साइड आपके ऊपर नीचे रहते थी वो आपने राइट कर दी। अब इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें जी ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब इसका जो है मेरे लिहाज से लास्ट पार्ट रहता है और वो जो है बहुत ही आसान सा है, आइए वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर ही ऐड करते हैं। देखें जी पार्ट नंबर 5 को भी मैं इसी लेक्चर के अंदर ऐड कर दूं, याद रहे बेटा कि लेक्चर को सीरियसली और तवज्जो के साथ सुने, आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं समझ आएगी। और अब ये देखें पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है जी कि y is equal to a square plus x square, y is equal to a square plus x square over a square minus x square का whole square root। ओके ये आ गया, अब देखें बहुत ही आसान सा, उसी तरह से फिर से देखिए आपके पास फिर से एक होल का स्क्वायर बन गया, आपने वही काम करना है। तो आप यहां पे पुटिंग करें, आपने लिखा u is equal to a square plus x square dividing by a square minus x square, पुट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे हर क्वेश्चन की तरह। और अब ये सारा इक्वल है u के, तो जहां पे ये पड़ा है वहां पे क्या पुट करेंगे u, तो y is equal to square root u और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे। अब उसी तरह से फिर से आपने क्या करना है जी, इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें, इसका डिफरेंशिएट लें, वहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, फिर आप जो है इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, यहां पे आपके पास चेक करें कि u को आप अगेन में इसको लिखूं तो आप लिखेंगे u की पावर 1/2 और इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो पावर स्टार्ट में पावर में कम किया, ये सारा आप जो है वो मेथड इस लेक्चर के अंदर भी हमने काम कर लिया है और प्रीवियस एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने ये काम किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।